मुख्यमंत्री वोट दे चुके हैं, लेकिन उसी मठ से संबंधित बहुत से साधु संन्यासी अब आ रहे हैं मतदान करने के लिए। महाराज जी, मुख्यमंत्री तो वोट करके गए, आप लोगों का क्या है? मतलब विकास हुआ है, विकास का काम हुआ है, विकास के लिए वोट कर रहे हैं। विकास आपका वोट किस लिए? वोट इसीलिए, आप सब लोग जानते हैं, आपसे ज्यादा कौन जान सकता है। विश्वास पूज्य महाराज जी जो सांसद रहते हैं, उन्होंने विकास किया है, उसी हिसाब से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जेपी नड्डा जी ने उनपे विश्वास करके गोरखपुर से विधायकी का प्रत्याशी उनको बनाया है। बहुत से लोगों की ख्वाहिश थी अलग विधानसभा से चुनाव लड़े, लेकिन पूज्य महाराज जी ने कहा हमारी कर्म भूमि के साथ साथ हमारे पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद यही रहा है कि गोरखपुर छोड़ के आपको कहीं बाहर नहीं जाना है। मठ के लोग जोर शोर से लगे हैं उनके लिए, पूरे लगे पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा मठ से विशेष लगाव है ना, तो सभी ना जनता सभी के ना मठ के, क्यों सभी जनता के लिए है ना, पूरा जनता के लिए। अच्छी पार्टियों के लोगों ने कहा कि उनको मठ वापस भेज दिया गया है। नहीं, लोग सब झूठे, सब झूठे समझते हैं। आप लोगों ने कहा कि ये जो माफिया राज के खिलाफ कार्यवाही, उससे संतुष्ट है? माफिया राज, गुंडों के खिलाफ जो कार्यवाही हो रही है, इससे पूरा दुनिया संतुष्ट है, पूरे प्रदेश संतुष्ट है। जो राष्ट्र से के लिए बात करता है, समाज के लिए बात करता है, जाति पात से ऊपर उठ करके कार्य कर रहे हैं, मजहब की बात नहीं करते, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ जो कार्य कर रहे हैं। मंत्री जी को सबका प्यार मिल रहा है यहाँ पे? जी एकदम। देखिए, मठ से जुड़े हुए लोग, महात्मा लोग हैं, साधु संन्यासी हैं, सभी वोट करके आए हुए हैं, और सबका कहना है कि योगी आदित्यनाथ को विशेष प्रेम मिलेगा। गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं वो, तो ऐसे में ये मठ का जो एक परंपरा है, मठ की एक जो विशेषता है, वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोट डाल के जा चुके हैं, और अब गोरखनाथ मंदिर, या फिर यूँ कह लें कि गोरखनाथ पीठ से जो संबंधित साधु संन्यासी हैं, वो भी इसी पोलिंग सेंटर पर वोटिंग के लिए पहुँच रहे हैं। कैमरामैन अर्शद के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, गोरखपुर।